नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। जहां जहां पर विपक्ष की हार होती है वहां पर ईवीएम दोषी क्यों हो जाती है? आज ये सवाल इसीलिए क्योंकि कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव के नतीजों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि हरियाणा का हर एक वर्ग बीजेपी को नकार चुका था, ऐसे में प्रचंड जीत हजम नहीं होती है। आरोप है कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में जहां पर कांग्रेस की जीत तय थी वहां पर टैम्पर्ड ईवीएम लाकर नतीजों को प्रभावित किया गया, बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताया गया। दरअसल हरियाणा के नतीजों से पहले तमाम एग्जिट पोल्स कांग्रेस की प्रचंड जीत बता रहे थे, कोई भी सर्वे बीजेपी के पक्ष में नहीं था, लेकिन नतीजे इसके ठीक उलट आए और इसी बात को लेकर कांग्रेस अब चुनाव आयोग पर हमला बोल रहा है। सवाल ये कि जहां जहां पर कांग्रेस या फिर विपक्ष की पार्टियों को जीत मिली क्या वहां पर ईवीएम सही थी? और सबसे ताजा उदाहरण तो जम्मू कश्मीर चुनाव का है क्योंकि वहां पर बीजेपी को जीत नहीं मिली है बल्कि कांग्रेस और उसकी सहयोगी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन रही है। तो क्या अगर ईवीएम के दम पर बीजेपी सरकार बना सकती तो ऐसा जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं किया? क्या जम्मू कश्मीर में जीत बीजेपी को पसंद नहीं आती है? सवाल यह भी कि अगर ईवीएम के जरिए बीजेपी को जीत दिलाई जा रही है तो 2024 के लोकसभा चुनावों में 400 पार करना तो दूर, 240 पर कैसे सिमटी यही बीजेपी एनडीए? अगर ईवीएम वाकई में टैम्पर्ड थी तो पंजाब, कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में विपक्ष की सरकारें कैसे बन गई? अगर वाकई में ईवीएम से छेड़छाड़ संभव है तो क्या बीजेपी को गठबंधन की सरकारें चलाने का शौक है? इन्हीं सवालों की आज चर्चा करेंगे। ईवीएम पर उठ रहे सवालों को लेकर मेहमानों से करेंगे बात, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के आरोप और बीजेपी का जवाब, वार पलटवार। हरियाणा के चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं, आश्चर्यजनक हैं और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि ये लोकतंत्र की हार हुई है और तंत्र की जीत हुई है। स्वीकार नहीं करते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। चुनाव हुए हैं, यहाँ तुम्हारे अगेंस्ट हो वहाँ ईवीएम खराब है, जहाँ तुम्हारे हक में हो वहाँ ईवीएम ठीक है, तुम्हारा तो करेक्टर हो गया। ये छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे भी जानते हैं कांग्रेस के करेक्टर को। अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहाँ भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, तीन जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहाँ से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। देखिए, जब जब कांग्रेस हारती है वो बहाने ढूंढती है, ऑन दे मुंह कांग्रेस गिरी है, जनता ने उनको नकारा है और कांग्रेस को आत्मचिंतन, आत्ममंथन भी करना चाहिए कि हार के कारण क्या है, क्यों बार बार लोग राहुल गांधी जी के मॉडल को नकारते हैं। तो आइए दहाड़ की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले उन सवालों का जिक्र कर लेती हूं जिसके इर्द गिर्द रहेगी आज की चर्चा। पहला सवाल यही रहेगा कि भाई विपक्ष जीते तो ईवीएम ठीक है, हारे तो फिर गलत कैसे है? दूसरा सवाल ये कि ईवीएम पर सवाल उठाना क्या जनादेश का अपमान नहीं है? तीसरा सवाल, ईवीएम खराब है तो जम्मू कश्मीर में कैसे जीत गई नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस? इधर ईवीएम बीजेपी के साथ तो फिर 400 पार लोकसभा चुनावों में क्यों नहीं हुआ? ईवीएम छोड़ बैलेट सिस्टम में लौटना कितना मुश्किल है?